लॉकडाउन के चलते हमीरपुर में फंसे कश्मीरी मजदूरों को घर भेजने के फैसले पर मजदूरों ने खुशी जाहिर की है। कश्मीरी मजदूरों ने उपायुक्त कार्यालय में आकर डीसी हरिकेश मीना से घर वापसी के लिए जल्द व्यवस्था किए जाने की गुहार लगाई। कश्मीरी मजदूरों ने आफत की घड़ी में जिला प्रशासन के भरपूर सहयोग के लिए आभार जताया। कश्मीरी मजदूर दिलबाग खान ने बताया कि उपायुक्त से गुहार लगाई गई है कि उन्हें अपने घर पहुंचाया जाए, क्योंकि आजकल घरों में परेशानी बढ़ गई है, खेतीबाड़ी का भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में करीब 28 मजदूर कई दिनों से घर वापसी की राह देख रहे हैं। उन्होंने बताया कि डीसी हमीरपुर ने कश्मीरी मजदूरों को घर भिजवाने के लिए व्यवस्था का आश्वासन दिया है। I am Raqib Ahmed Lon, son of Ghulam Rasool Lon, from Jammu and Kashmir, district Bandipora, Wali Tilal. Sir, we are stuck in Himachal Pradesh from last one month, and we have no any arrangement, and we are in problem there. And I want to go back, but there is no any opportunity, and I. And I requested to the DC Himachal Pradesh of district Band, district Hamirpur to give us permission for back to home. मेरा नाम सुनावला भट्ट हूँ, मैं कोपाड़ा के रहने वाला हूँ। हमें यहाँ हो गए 20 साल हमीरपुर, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। हमें बहुत शुक्रगुजार है यहाँ के लोगों के, यहाँ के लोग एडमिनिस्ट्रेशन के भी और यहाँ के सरकार के भी। हमें हर वक्त हमें सुविधा मिली है, हमें राशन भी मिली है, सब कुछ मिले हैं। आज भी हमें यहाँ DC साहब ने बुलाया है हमें परमिशन के लिए, हमें परमिशन भी मिलेगा। और यहाँ के लोगों के भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत लोग यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन साहब के लिए और यहाँ के सरकार के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। खासकर जयराम ठाकुर साहब के, यहाँ की जो सरकार है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें किसी चीज़ की कोई सुविधा, मतलब हर चीज़ की सुविधा मिली है कि किसी ने, इन्होंने बोल दिया हमें, वो हमने सब कुछ किया है। बहुत शुक्रिया सर। हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के हम 28 बंदे हैं यहाँ, तो हम बहुत मजबूर हैं यहाँ, इसलिए कि हमारी जमींदारी भी शुरू हुई है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा मजबूर है कि हमारे को कई गवर्नमेंट से अपील है, DC साहब से अपील करते हैं कि हमारे को कई पहुँचा दें जम्मू साइड में। तो इसलिए हम बहुत मजबूर है कि हमारी खेती बाड़ी काम कब से शुरू हुआ है, हम तो यहाँ फंसे घर में, वो मजबूर हमारे पीछे, वो परेशानी में। तो इसलिए हमारे को किराया भी कुछ नहीं है, हमारी जेब खाली हो गया है, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, एक रुपया का ये नहीं है सर। इसलिए मेहरबानी है DC साहब से कि हमारे को कुछ ना कुछ करके, या अगर ज़िंदगी रही तो हम हर साल आते हैं, हम यहाँ दे देंगे किसी से, हमारे को किराया दिलवा दो और हमारे को कई ठिकाने पहुँचा दो। हम ये बहुत मजबूर है यहाँ कि इतने, हम डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से कम कोई 150-200 किलोमीटर आगे हम गुरेज तिलेल के हैं सर, हम तिलेल के हैं। तो इसलिए मेहरबानी है कि हमारे को वहाँ कहीं ठिकाने पहुँचा दो। तो हाँ, यहाँ हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें हर वक्त साथ दिया है, और आज भी हम डिश साहब के पास आ रहे हैं और उन्होंने बोला है हमें कि 2-4 आदमी यहाँ रुको और आपको परमिशन मिलेगी, आप बाकी आदमियों को यहाँ से रवाना कर दो, ठीक है, और 4 आदमी यहाँ बैठो। इन्होंने हमेशा साथ दिया है, और हम यहाँ के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी और DC साहब से भी, SDM साहब का बड़े बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें हर वक्त साथ दिया है। दिव्य हिमाचल TV के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। हमारी संस्था डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस प्रदेश स्तर पर पंजीकृत है। हमारी संस्था वर्तमान में प्रदेश स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान 2019 के ऊपर काम कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत हमारी संस्था ने हिमाचल प्रदेश के 3,226 ग्राम पंचायतों में 7,000 महिलाओं को भारतीय कार्यकर्ता के रूप में उनके घर द्वार पर स्वरोजगार प्रदान कर दिया है। हमारी संस्था इस अभियान के अंतर्गत अपनी भारतीय कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उनके शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। वैश्विक महामारी के चलते
हिमाचल प्रदेश में हमारी संस्था की विकास खंड संयोजकों के महत्वपूर्ण योगदान के द्वारा हमारी संस्था की भारतीय कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर स्वयं मास्क बनाकर वितरित किए गए और इस दौरान हमारी भारतीय कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की माताओं बहनों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के प्रति भी घर घर जाकर जागरूक किया गया। इस संस्था का प्रदेश संयोजक होने के नाते मुझे आज ये जानकारी देते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे हमीरपुर जिला की विकासखंड बिज्जर की ग्राम पंचायत करेर में हमारी प्रदेश की संस्था प्रदेश की प्रदेश अध्यक्षा सम्माननीय श्रीमती सुनीता दरोज की अध्यक्षता में और जिला परिषद की सम्माननीय पूर्व अध्यक्षा श्रीमती सरला शर्मा जी की उपस्थिति में हमारे संस्था के सौजन्य से हमारी करेर पंचायत के गांव में हर घर घर जाकर मास्क वितरित किए गए और इसके साथ साथ सैनिटरी नैपकिन भी महिलाओं को उनके घर द्वार पर जाकर निःशुल्क वितरित किए गए और उनको उनकी शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया गया। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।